ਤੈਨੂੰ ਡੁੰਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਡੁੰਬਾ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਸਟਮ ਮੈਂ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਮੈਂ। जब कन्वेयर बेल्ट पे बैग रखा, उन्होंने मुझे बुला लिया साइड पे कि आ जाए जरा आप। तो मैं पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मेरी चेकिंग शुरू कर दी। ओए शीरा, अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई यार अच्छे से एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मेरे साथ है जेडी। कैसे जेडी? नहीं ठीक, चलो कोई बात नहीं। मैं फुल ठीक जबरदस्त। फुल ठीक जबरदस्त। अभी भाई है लाहौर में और मेरी फ्लाइट है, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ जेडी, कहाँ जा रहा हूँ? जिपिशिस्तान फिरौन फिरौन के पास। पागल हो गया, पागल दूर दूर। भाई जा रहे हैं इजिप्ट, और इजिप्ट से आगे कहाँ जाना है वो बाद में बताऊँगा। हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, अभी 7:23 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। मेरी 12:30 बजे फ़्लाइट है, लेकिन ये अभी मुझे कोई 8:15 बजे छोड़ के ये तितर हो जाएंगे अपने अपने घर और भाई चला जाएगा एयरपोर्ट के अंदर। चंद घंटों का मेहमान इन लाहौर, चंद घंटों का मेहमान इन लाहौर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जाने के बाद बारिश हो जाए लाहौर में। इंशाल्लाह जो हालात लाहौर के हुए हैं इस टाइम बहुत बुरे हालात, पूरी रोड ऐसे धुंधली नजर आ रही है सामने। ये ड्राइविंग सीट पे बंटी आ चुका है। जवाद किधर गया? जवाद नाश्ता जवाद को लड़ के इसको ट्रैफिक में, वो कहता है इसको आगे अगली सीट पे आप, खुद अंदर गया। अभी ये पता नहीं ये यहाँ वाले एयरपोर्ट पे, मतलब पाकिस्तान में, कराची में भी मेरे साथ हुआ, लाहौर में भी एंट्रेंस पे उन्होंने कहा है कि सर कैमरा आप अपने बैग में रखें प्लीज़, ये अलाउ नहीं है कैमरा। पता नहीं ये पहले, हालांकि यहाँ पे मैं यूज़ करता रहा हूँ पहले काफ़ी अरसा, अभी मोबाइल का इशू उतार के उसकी तली पे रख देना था। हाँ ये भी उसको कहना था मैंने कि ये भी रख ले मेरा। खैर ये कैमरा अभी बैग में जाएगा, फ़ोन है हमारे पास, टेंशन नहीं है। ओके भाई जेडी टाटा, एक दफा मिल ली है कैमरे के लिए मिल रहे हैं। ओके भाई टाटा, बाय बाय, मिलते हैं। यार मैं स्टोरी लगा रहा था। ओके ओके अल्लाह यार। आज इस साइड पे इतना रश है कि आपकी सोच है, क्योंकि दो फ्लाइट्स लगी हुई हैं और मेरा ख्याल है कि एक फ़्लाइट कोई या दोनों मेरा ख्याल है अभी वाली सऊदी अरब की हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अन्नेवा वाला रश है। तो मैं अभी सारा अपना बोर्डिंग वगैरह करवा के अंदर जा के आपको बाकी डिटेल बताता हूँ। सारा प्रोसेस डन, अब मुझे फाइनली फील आ रही है कि मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ। अच्छा मैं आपको सारी अभी डिटेल बताता हूँ, क्योंकि बोर्डिंग सीन हो रहा था। अच्छा बड़ा मज़े का अभी बोर्डिंग पे सीन हुआ है। मैं काउंटर पे गया, मैंने पासपोर्ट पकड़ा, मास्क पहना हुआ था, यही कैप शैप ली हुई थी, मैंने पासपोर्ट पकड़ाया, उन्होंने पासपोर्ट खोला, अरे यस। वो इतनी खुशी होती है यार, कसम से इतनी खुशी होती है कि मतलब आप लोगों की ये मोहब्बत है और अल्लाह ताला का एहसान है, करम है। वो उठ के बाहर आए, मिले उन्होंने, फिर इतनी मज़ेदार मुझे सीट दी है। उसके बाद हम लोग पहुँचे बिज़नेस लाउंज में, वहाँ पे पहले तो मैंने सैंडविच टिकाए हैं, पेटिस खाया, कॉफ़ी पी है। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है कायरो इजिप्ट की वाया दुबई। अच्छा इस ट्रिप में मैं साथ साथ आपको हर चीज़ बताता रहूँगा, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मेरी 1.5 महीने की जो वर्किंग है इस ट्रिप पर वो सारी आप लोगों को पता लगेगी, ताकि आपके लिए ये कोई भी आगे ट्रिप प्लान करना ईजी हो। मैंने अपनी इस बार होटल्स खुद बुक करवाए हैं booking.com से। उसका ये सीन होता है कि अभी मेरा जीनियस लेवल 1 है, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने होटल खुद बुक करवाया नहीं है। जीनियस लेवल 1 का मतलब ये होता है कि जब मैं 5 स्टे कर लूँगा 5 डिफरेंट होटल्स के अंदर 2 साल के अंदर अंदर, तो अभी मुझे मिल रहा है 10% डिस्काउंट हर होटल पे। जब मेरा जीनियस लेवल 2 हो जाएगा तो मुझे एक फ्री होटल मिलेगा स्टे के लिए, और उसके अलावा मुझे डिस्काउंट बढ़ जाएगा। ये फ़ायदे होते हैं। और फ़्लाइट्स जो मैंने बुक की हैं वो जब मैं टर्की गया था तब से मेरे साथ एक मेरा बड़ा प्यारा भाई है, US ट्रेवल वाले लिबर्टी राउंड अबाउट पे इनका वो है ऑफिस, साथ मेरी फ़्लाइट्स करवाता सारी। लेकिन फ़्लाइट जो हम लोगों ने बुक की है उसमें एमिरेट्स स्काईवार्ड नंबर होता है एक, आप एमिरेट्स के ऊपर अपनी एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करते हो, उसमें आप अपना अकाउंट बनाते हो, आपको एक स्काईवार्ड नंबर अलॉट होता है। अब जिस तरह वो स्काईवार्ड नंबर मेरी फ़्लाइट में डला हुआ है, चुप कर जा, जब मैं फ़्लाई करूँगा फ्रीक्वेंटली तो मुझे उसमें आगे एक फ़्लाइट फ्री भी हो सकती है, और भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं मुझे। हर एक फ़्लाइट पर जो है वो माइल्स मिलते हैं, स्काईवार्ड माइल्स मिलते हैं, उससे मैं शॉपिंग भी कर सकता हूँ, अगली फ़्लाइट भी मेरी फ्री हो सकती है, इस तरह के काफ़ी फ़ायदे होते हैं।
फ्लाइट डिले हो गई थी तो भाई ने बैठ के इधर चाय के कप टिकाए हैं ज़रा 3-4। 12:20 पे डिपार्चर था लेकिन अब 1:35 पे, तो अभी गेट्स ओपन हो चुके हैं, हम गेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी खासी डिले हुई है फ़्लाइट, जब पहली बार ज़िंदगी में टाइम पे आया हूँ और पहली बार ही डिले। लैम्प विद राइस, मैक्रोनीस, मैश पोटैटोस, कोला, फिरनी, बहुत कुछ है, रगड़ दूंगा। क्या मज़ेदार लैंडिंग, लेकिन इनको खाना बनाना नहीं आता। वेलकम टू दुबई शेपैक गैंग। एमिरेट्स मेरी फेवरेट है, मेरी हमेशा कोशिश होती है एमिरेट्स में फ्लाई करूँ। मज़ेदार फ्लाइट थी, लैंडिंग इंतहा से ज़्यादा स्मूथ थी, लेकिन एमिरेट्स आपका आज का खाना वॉज पथेटिक। मतलब तनु डुम्बा बनाना नहीं आता, लैम्प तनवा कोयटा लेके चलना, उतने जाके तुम दिखावा कि डुम्बा बनता किमें। इतना अजीब सा लैम्प, ओवरऑल एमिरेट्स की मेरे दिल में एक अलग जगह। एक तो ये एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि बंदा पागल हो जाता है कोई एक चीज़ अगर आपने ढूंढनी हो। खैर मैं आपको मज़े की स्टोरी बताता हूँ जो मैं आपको बताने लगा था कि फ़्लाइट में क्या सीन हुआ। लाहौर एयरपोर्ट पे जो एमिरेट्स स्टाफ था वो भाई के सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने मुझे जाके बिजनेस लाउंज में बिठाया, मैंने मुफ्ते के सैंडविच और ये चीज़ें तोड़ी फोड़ी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्पेशल सीट दी, वो जिस तरह आपको मैंने जो प्लेन के शॉट्स दिखाए हैं उसमें आपको सारी बिजनेस कैबिन नज़र आ रहा था, लेकिन भाई मैं बिज़नेस सीट अफोर्ड नहीं करता अभी। उन्होंने मुझे सीट ऐसी दी, जैसे ही बिज़नेस कैबिन ख़त्म हो रहा था और इकोनॉमी कैबिन शुरू हो रहा था, वो पहली सीट जिसके आगे लेग स्पेस अन्य वैसे आपके लिए भी ये है कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं और आपको फ्रंट सीट्स मिल जाती हैं जिसमें लेग स्पेस भी ज़्यादा होती है और आपको व्यू भी सामने। ओए शीरा, हाँ शीरा, हेज़लनट लाटे लिए मैंने, शीरा लाटे थोड़ी लिए यार। वैसे आपस की बात है, इधर एक गोरा बैठा है बीफ़ बर्गर लेके, मैं मैकडोनल्ड्स पे बैठा हूँ और उसका बीफ बर्गर क्या क्लासी लग रहा है। अब मेरी ज़ुबान जो है ना वो ललचा रही है कि मैं वो भी कहूँ। खैर हले असी घंटा एवं एयरपोर्ट पर फिरना है, कॉफ़ी पीनी है, उस तो बाद अगली फ़्लाइट। इस कदर खाली दुबई एयरपोर्ट देख के मुझे ना हज़म नहीं हो रहा कि सीन है क्या। मेरे अब्बा जी का एयरपोर्ट लग रहा है मुझे, खाली बिल्कुल ही अभी तक। मतलब मुझे लग रहा था कि रश वगैरह शुरू हो गया होगा या पता नहीं, लेकिन मुझे तो 3 घंटे हो गए यहाँ पे, ऐसे ही सीन है खाली खाली सा। ज़ालिमो मेरा कहीं तो पीछा छोड़ दो, ज़ालिमो की चाहते हो तुसी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह तौबा। बाबा बदमाश आदमी, गोल्ड ब्रिक्स का दरख्त ही बना दिया पूरा। गुड होए। एक्सक्यूज मी, 1 किलो कढ़ाई मिल जाएगी, आई मीन बीफ बर्गर। नहीं मुझे 1 किलो कढ़ाई चाहिए, बीफ मशरूम, दी मशरूम, 7-4 चांपे, यस, कोला एंड ड्रिंक। 40 दिरहम, नो कैश, थैंक यू। मैंने कहा खा के देखें 40 दिरहम का मैकडोनल्ड्स कैसा होता है। 1900 रुपये का एक बर्गर। इनको मैं इधर से 3 बंदों को पाकिस्तान लेके जाऊँ ना, 1900 रुपये में ऐसी क्लासी दुम्बई की कढ़ाइयाँ मैं इनको खिलाऊँ, लग पता नहीं। लेकिन बर्गर अच्छा, चांपे मांगी थी उसने दी नहीं, कढ़ाई भी मांगी थी। प्रोसेस डन, अब निकलने लगे हैं कायरो के लिए जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। कोई 90% चांसेस हैं कि मैं अब सो जाऊंगा, लेकिन अगर ना सोया तो फिर दिखाऊंगा कुछ हुआ। अगर कुछ ना दिखा पाया तो समझ जाना मैं सो गया था। Just
वेलकम टू कायरो इजिप्ट। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं, बड़ी ठंडी मीठी सी हवाएं हैं और इंतहा से ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूं इस पिरामिड्स के शहर में, इस हिस्ट्री से एक भरे हुए शहर में। क्या कमाल किस्म का मज़ा आना यार इस शहर को एक्सप्लोर करने में। मतलब मैं कायरो से बाहर भी निकलूंगा लेकिन मेरा ज़्यादा टाइम कायरो में गुजरेगा। अभी पीछे आपको जिस तरह एयरपोर्ट खाली नज़र आ रहा है, टेंशन ना लो, इजिप्ट के रात के 3 बज चुके हैं, तो मतलब पाकिस्तान के तकरीबन 7 बज चुके हैं सुबह के। मुझे जागते हुए 26 घंटे हो चुके हैं। और ये क्यों हुआ है, फ़्लाइट तो मेरी 11:30 बजे लैंड हो गई थी। मैं बताता हूँ ज़रा, मैंने ऊबर मंगवाई हुई, ऊबर में बैठ के बताता हूँ। फंस गया था मैं कस्टम में, फंस चुका हूँ मैं ऊबर ऊबर अभी ऊबर आने में ज़रा हैं 5-6 मिनट। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। भाई निकला ऐसे जहाज़ से मज़ेदार, ऐसे बैग शैग अपना उठाया फुल आवाम के साथ। मैं कि ये अभी निकलते हैं कायरों में और जाते हैं होटल अपने। जब कन्वेयर बेल्ट पे बैग रखा, उन्होंने मुझे बुला लिया साइड पे कि आ जाएं ज़रा आप। तो मैं पता नहीं क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने मेरी चेकिंग शुरू कर दी। मुझे नहीं समझ आई कि क्या हुआ। चेकिंग करते रहे उन्होंने मेरा बैग, मैंने एक एक चीज़ सेट की हुई थी मौसम के हिसाब से कि क्या कब पहनना क्या कब पहनना, हर चीज़ उन्होंने निकाली, हर एक एक शर्ट। अब मैंने उनसे पूछा, जब तसल्ली से मैं उनको चेकिंग करने दे रहा था, जब उन्होंने चेकिंग करते रहे मैंने पूछा कि हुआ क्या। वो कहते हैं ये अपने बाइनोकुलर्स जो रखी हुई हैं ये इजिप्ट के अंदर अलाउ नहीं है, उन्होंने ऑनेस्टली बताया। बाइनोकुलर्स भाई कोई मूड नहीं था जब पैकिंग कर रहा था, साइड पे पड़ी थी वो जो भी क्वेटा से ली थी, वो एंड पे मैंने बैग में ऊपर रख ली, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। और उन्होंने फिर उसकी वजह से मेरी कोई चेकिंग की है, मुझे 3 घंटे लगे हैं। चेकिंग हुई पहले, उसके बाद कस्टम क्लियर हुआ, वो कस्टम के अंदर उन्होंने डब्बे में बंद की, मुझे रसीद दिए कि आप जाते हुए ले जाना, मैं कोई नहीं लेके जाऊँगा इतना टाइम, मैं पागल नहीं हूँ कि वो उसको लेता फिर यहाँ से। अंदर एक गुप्त खजाना है पूरा, जिसमें लोगों की बड़ी बड़ी LEDs और पता नहीं क्या क्या पड़ा है, वो कस्टम में जो चीज़ें फंस जाती हैं। अब वो वहाँ पर छोड़ी है, वहाँ पे छोड़ने के बाद उसको पूरा एयरपोर्ट अंदर मैंने आज घूम लिया, ये कायरो का वो सारा प्रोसेस करके, रसीदें बना के, हर जगह एंट्रियाँ करवा के, पता नहीं मुझे लग रहा था, मुझे पता नहीं 6 बंदे लेके फिर रहे थे मुझे, मैं क्या पता नहीं क्या हो गया। खैर ये सोलो ट्रैवल के फ़ायदे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, मैं उस चीज़ को भी इंजॉय कर रहा था कि यार क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। उसके बाद मैं निकला अंदर से, मैंने अभी सिम ली और लाहौर से इजिप्शियन पाउंड मिला नहीं था तो मैं सारा USD लेके आया हूँ। वो यहाँ से मैंने थोड़ा सा, एयरपोर्ट से कभी भी करेंसी चेंज नहीं करवानी चाहिए, मैंने थोड़ी सी करवाई है ताकि अभी ऊबर वगैरह दे सकूँ। फिलहाल मेरी नींद से आपकी सोच है क्या हालत हुई है, उबर में बैठना और मैंने होटल पहुंचना। ये जी इजिप्ट में मेरा पहला होटल, मैंने 2 होटल बुक किए क्योंकि जिस एरिया के, ये कल सारी डिटेल बताऊंगा यार, अभी हालत मेरी वैसी बहुत टाइट हुई हुई है नींद से। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। कल मिलते हैं बाकी सारी डिटेल कल, अभी मुझे वैसे कायरो कोई समझ ही नहीं आया सारा, मतलब रात को क्या पता लगना है, कल पता लगेगा।